देखो इस वाले क्रूज कंट्रोल में ना ये सीधा सीधा चलेगी, अगर मैं इसको लीन वीन करूंगा ज्यादा पीछे कुछ आ नहीं रहा है। लेट मी चेक उस हिसाब 7000 RPM पे तो दोनों मेरी थाइज में सीट पे, राइट हैंड साइड पैर पे। तो हे गाइस वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। सामने खड़ी हुई है TVS की अपाचे RTR 310। बेसिकली ये बाइक तो काफी दिन पहले ली थी, नंबर नंबर भी आ गया, 0848 नंबर भी अच्छा है, नंबर अच्छा मिला यार, देखा जाए तो नंबर खराब नहीं है। और एक चीज़ और है यहाँ पे देखो, अपाचे RTR 310 के अंदर नंबर प्लेट की मुझे हाउसिंग बड़ी पसंद आई पर्सनली। हालांकि वीडियो मैं इस बाइक पर आज से काफ़ी दिन पहले बना सकता था, बट क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इसके जो ये मोड है ना, पर्सनली आई डोंट लाइक दिस मोड यार। इसकी पोजीशन कितनी कमांडिंग सी है, हालांकि मैं कैमरा पे फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ इस बाइक में। सब कह रहे थे कि ये थोड़ा सा ना एक्सीलेटर ले लेती है अपने आप, देखते हैं भाई कितना फ़र्क है। एक चीज़ तो है, काफ़ी छोटी और कॉम्पैक्ट फील हो रही है। कोई एक शिफ्टर तो भाई अमेजिंग है इसका, इसे ऑफ कर देता हूँ अभी। मैं पर्सनली बताऊँ, इस बाइक का क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा लगा था मुझे, मैंने टेस्ट राइड व्हीकल चलाया था। मैंने कहा चलो टेस्ट राइड की तो बात अलग है, मेन प्रॉपर अथर भाई वाली जब चला के देखूंगा तब बताऊंगा भाई क्या शिफ्ट ले रही है। एक मैकेनिज्म का होना और एक सेंसर बेस होना बहुत फ़र्क है। इस चीज़ के ऊपर आपको मैं डेडिकेटेड एक क्या नाम है वीडियो बना के दिखाऊंगा। मतलब ऐसे इसके लीन होने के लिए कह रही है। अब मुझे तो पर्सनली जरा इसके मोड वोड पसंद नहीं है इतने, जरा इसमें क्विक शिफ्टर ये देखूँ, क्रूज कंट्रोल, ये आई एम लविंग इट मैन। ये चीज़ मेरी पर्सनली फेवरेट सी है। ओए भैया स्पीड बढ़ाता हूँ, देखो क्विक ये क्रूज कंट्रोल पे चल रही है 56। अगर मैं गियर अप करूँगा तो भी देखो क्रूज कंट्रोल नहीं हट रहा है, डाउन करूँगा तो भी नहीं हट रहा है। ये बहुत भाई, ये इतना बेस्ट फीचर लग रहा है ना मुझे नई वाली ड्यूक 390 के अंदर, बहुत बड़ी मिसिंग चीज़ है ये भाई। देखना एक्सीलेटर छोड़ के मस्त बैठा हूँ, स्पीड 58। हम तो भैया कारों में क्रूज कंट्रोल यूज़ करते रहते हैं तो इसलिए मुझे तो अच्छी आदत है इसकी। और देखो ब्रेक दबाते ही हट गया वापसी, और वापसी लगाने के लिए ये मैं करूँगा प्लस। अच्छा गियर मैच नहीं हो रहा शायद से, ये ऑन, चलो अभी चला के देखते हैं। यार वाइब्रेशन तो काफी ज्यादा है इस बाइक के अंदर, भाग ही नहीं रही। भगने भगाने की अगर मैं बात करता हूँ अपाचे RTR 310 की, तो अभी ये चल रही है अर्बन मोड पे। सबसे पहले इन घटिया से मोडों को हटा के भाई मैं ट्रैक पर लगाऊँ। मुझे पर्सनली यार गाइस आई डोंट लाइक दिस मोड्स, स्पोर्ट्स हट स्पोर्ट्स टू आर ट्रैक पे। कितना यार ये अपाचे ने इस चीज़ पे काम क्यों नहीं करा, ये सिस्टम इनका कितना स्लो है। ये मैं मोड चेंज कर रहा हूँ इतना स्लो चेंज कर रही है, भैया क्विकली करिए काम। आज भाई इस बाइक की सर्विसिंग हो गई है, इसके मोड्स वगैरह खुल चुके हैं, तो आज इसको चलाने में थोड़ा सा दौड़ाने में मज़ा आने वाला है। और इस बाइक में टायर बहुत अच्छा लग के आता है, कंपनी से ही मिशलिन। हाँ वो थोड़ा सा एक्सीलेटर लेने वाली चीज़ है इसके साथ, हल्का सा ना एक्सीलेटर अपने आप आगे बढ़ रहा है। लीन करते हैं, वाओ टायर्स तो बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। और क्विक शिफ्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो पर्सनली क्विक शिफ्टर मुझे काफ़ी सही लग रहा है। पावर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो पावर डिसेंट है। ये देखो देखो, अगर आपको इस बाइक को अगर भगाना है या फिर अगर आपको ओवरऑल इस बाइक से मज़े लेने हैं, तो आपको हाई स्पीड में एक गियर डाउन करने की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप गियर डाउन नहीं करोगे तो ये बाइक उस लेवल का एग्रेशन नहीं दिखाएगी जो आपको KTM ड्यूक 390 दिखाती है। ऑब्वियसली देखो ड्यूक 390 जैसा इसके अंदर एक्सेलरेशन आपको मिलेगा भी नहीं, और अभी तक इसकी टॉप स्पीड 142 किलोमीटर पर आवर तक भगा के देखी गई है। एंड जैसे मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, चलाने में बाइक मुझे पर्सनली काफ़ी फन लग रही है, पावर अच्छा डिलीवर कर रही है। ड्यूक 390 के अंदर क्या हो गया, पावर बैंड चेंज होने की वजह से ना वो एक सर्टेन RPM के पास आने के बाद ही एक प्रॉपर फुल पावर देती है, बट इस बाइक में ऐसा नहीं है। देखो यहीं से आ रही है पावर, इसमें ये चीज़ अच्छी है। और कहीं ना कहीं अगर मैं करंट ड्यूक 390 से इसको एक चीज़ में और कंपेयर करूँगा वो है क्विक शिफ्टर। वाओ यार व्हाट अ क्विक शिफ्टर मैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट क्विक शिफ्टर हो तो ऐसा, वरना ना हो भाई, बहुत अच्छा क्विक शिफ्टर काम कर रहा है इसका। TVS ने इसके क्विक शिफ्टर के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो मुझे पर्सनली अच्छी चीज़ लग रही है। बाइक के राइडिंग पोस्चर की बात करूँ, बैठने की बात करूँ, तो राइडिंग पोस्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग है। और यूँ कह सकते हैं कि आप जब बैठोगे आपको ऐसा फील होगा कि आप एक गड्ढे के अंदर बैठे हो, गड्ढा इन द सेंस मतलब थोड़ा नीचे को बैठे हो। तो उससे ये फ़ायदा मिलने वाला है कि आपको ना एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो ज़्यादा आने वाला है। जैसे अपना डुकासुर आगे चल रहा है, तो उस बाइक को अगर कोई भी बंदा चलाएगा उस पर बैठेगा तो वो हाइट में काफ़ी ऊँची, आपको डेफिनेटली ऐसा फील होने वाला है कि यार काफ़ी ऊँचा बैठा हूँ, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बट इस बाइक के अंदर आपको कॉन्फिडेंस पूरा आएगा। सस्पेंशन की बात करी जाए तो छोटे मोटे जैसे झटकों पे से निकल रही है बाइक, तो सस्पेंशन में कोई कंप्लेंट नहीं है, बढ़िया है।
मैं इसको मैक्सिमम पावर वाले मोड पे चला रहा हूँ, जिस मोड में सबसे ज़्यादा मैक्स पावर देती है, मेरे को मैक्सिमम पावर देगी, मैं उसी मोड पे चला रहा हूँ। बट ओ थैंक यू, ये लोग लगता है कोई लॉन्ग ट्रिप पे निकले हो भाई, ये बंदे थम्स अप करते हुए जा रहे थे। बाय। तो भाई एक चीज़ है कि मतलब जैसे मैं इसको ट्रैक मोड पे चला रहा हूँ, पावर सही डिलीवर कर रही है। अगर आप एक 390 ओन करने वाले बंदे हो या फिर अगर आप एक 390 लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको उस बाइक के आगे इस बाइक की पावर में ना वो मज़ा नहीं आएगा जो ड्यूक की पावर में है। मतलब ड्यूक का एक लेवल ऑफ पावर डिलीवरी, जो एक जो एग्रेशन लेवल है ना, वो नेक्स्ट लेवल ही है। इसकी कहीं भी बेकार नहीं है, अकॉर्डिंग टू 300 cc अच्छा पावर डिलीवर कर रही है। अगर मैं बात करता हूँ वाइब्रेशन की, तो यार TVS ने उसके ऊपर काम नहीं करा यार। लोअर RPMs पे जब स्टार्टिंग में इनिशियली इसको मैंने स्टार्ट करा था, तो इसकी जो नॉर्मल जो मतलब वाइब्रेशन वगैरह थी वो मतलब कम लग रही थी। बट जैसे जैसे ये RPM ऊपर जा रही है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 to 6,000 RPM के आसपास जा रही है, तो भाई वाइब्रेशन तो देखो इसमें है। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ भाई साहब, 7,000 RPM पे तो दोनों मेरी थाइज़ में, सीट पे, राइट हैंड साइड पैर पे फुल वाइब्रेशन आ रही है। इसका मैं एक ही सॉल्यूशन बता सकता हूँ, अभी तो भाई न्यू बाइक है, इसके अंदर आफ्टर मार्केट जो अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल है वो डल जाएगा, तो वो चीज़ थोड़ी सी ठीक हो सकती है। वरना भाई ये वाइब्रेशन थोड़ी इसमें रहेंगे। और इसका एक चीज़ और है, जब आप उस चीज़ को करने लग जाते हो, चलाने लग जाते हो, तो आप डेफिनेटली उसके यूज़ टू भी हो जाते हो। चलो फिर इसी बात पर आपको भाई आपको एक लीन दिखा दे, अतर भाई भी कहेंगे मेरी अपाचे पूरी लटा दी। बस इन जॉइंट्स पर मुझे थोड़ा सा डर लगता है। लीन वीन का चैम्पियन हूँ मैं, इन सब चीज़ों में मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब देखो मैंने जैसे इसको भगाया, ऐसे में भगाने के लिए ना इस बाइक में एक गियर डाउन करना पड़ेगा आपको, अगर बढ़िया वाला एग्रेशन चाहिए। फुल थ्रॉटल हूँ, कितना जाएगी लिमिटर हिट करता हूँ। अरे वाह 120 भाग रही है, क्योंकि डाउन हिल था। बस वही चीज़ है, देखो चलने चलाने में तो बढ़िया है, भागने में भी अच्छी है, बट अगर आपको देखो एकदम सडन भगाने का मन है ना, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आपको एक ना एक डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है इसके अंदर, बहुत अच्छा फीचर है। अभी आपको क्रूज़ कंट्रोल भी चला के दिखाता हूँ, या मैंने क्रूज़ कंट्रोल की क्लिप पहली बना ली होगी। चलो आपको थोड़ा सा भगा के दिखाता हूँ, लिमिटर हिट करूँगा, 11,000 जा रही है ऑलमोस्ट। चलो परफेक्ट शिफ्ट, नहीं लिमिटर आ गया, 10.5 जाएगी। ब्रेकिंग बाइक की अच्छी है, ब्रेकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अमेजिंग। और एक चीज और है, अच्छे टायर होने की वजह से बाइक जब जैसे मैं पुल कर रहा हूँ ना, तो मेरे को एक्सेलरेशन पे मजा अच्छा दे रही है। तो भाई देखो मैंने आप लोगों को बाइक थोड़ी भगा भगा के भी दिखा दी। अदर मोड्स पे मैं ना एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर इसके मोड टेस्ट करेंगे और गियर चैलेंज करेंगे कि ये बाइक किस गियर में कितना स्पीड बनाती है, ठीक है। और जैसे कि अभी मैं इसका क्विक शिफ्टर यूज़ कर रहा हूँ, वाह यार इस बाइक के अंदर मुझे सबसे बेस्ट चीज़ें पता क्या लगी हैं, बाइक की स्टेबिलिटी अच्छी है। पता नहीं चल रहा था मैं 120-130 भगा रहा था, काफ़ी चिपक के चल रही थी, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। पावर बहुत अच्छा डिलीवर करती है, वो जो चीज़ लोग कह रहे थे कि इसके RPM आगे भग जाते हैं ना, हर बार नहीं भगते, कभी भगते हैं कभी नहीं भगते हैं। वो भी अच्छा है ना, बहुत सॉफ्ट है ना बहुत हार्ड है, गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी है, सारे बटन्स मेरी रीच के अंदर है। और जैसे अभी ये चल रही है, इसको मैं 40 की स्पीड प्लस कर लेता हूँ। तो क्रूज़ कंट्रोल लगाने के लिए क्या करना है, इसे बस एक बार नीचे प्रेस कर देना है। अब मस्त क्रूज़ कंट्रोल पर चल रही है, ये लिखा रहा है 51, 52, 53, ये इसके अंदर वो वाला क्रूज़ कंट्रोल है जिसपे सीधे सीधे चलेगी। अब आ जा इधर आ जा, अब देखो इस वाले क्रूज़ कंट्रोल में ना ये सीधा सीधा चलेगी। अगर मैं इसको लीन वीन करूँगा ज़्यादा, पीछे कुछ आ नहीं रहा है, लेट मी चेक, उसमें तब बंद हो जाएगा। देखो बंद हो गया, जैसे मैंने लीन करा बंद हो गया। और वापसी लगाने के लिए इसको आगे पुल करूँगा आगे की तरफ, अच्छा स्पीड कम है। अब मैं इसे आगे पुल करूँगा तो मेरे हिसाब से लग जाना चाहिए। यस इट्स वर्किंग, तो क्रूज़ कंट्रोल अच्छे से वर्क कर रहा है। और क्रूज़ कंट्रोल के अंदर ही मैं गियर अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कुछ भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ओवरऑल जो TVS ने इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स डाले हैं
मुझे बढ़िया लगे, मज़ा आ गया मुझे तो यूज़ करके इन सारी चीज़ों को। और पर्सनली मैं फीचर्स को पसंद करता हूँ, पावर को भी पसंद करता हूँ। तो ये बाइक किस बंदे को लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, एक चीज़ बता देता हूँ। जिसको अच्छे फीचर्स चाहिए, अच्छे फीचर इन द सेंस आप कह सकते हो क्योंकि थोड़े एडवांस और रिक्वायर्ड फीचर चाहिए, डेफिनेटली गो फॉर इट है। थोड़ी वाइब्स मिलेंगी उनका आपको सामना करना पड़ेगा, बट मे बी जब आप इस बाइक को डेली रेगुलर बेसिस पर चलाने लग जाओगे तो 110% आप इसके यूज टू हो जाओगे। और उसी के साथ साथ जब देखो क्रूज कंट्रोल, जैसे कि अभी क्रूज कंट्रोल इंगेज है, आपको इसे नीचे प्रेस करने की जरूरत नहीं, बस आगे करोगे लग जाएगा। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, अननेसेसरी यहाँ ब्लिंक हो रहा है। भाई टायर बहुत बढ़िया है, और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे तो इसे ट्रैक मोड में ही चलाने में आया था, बाकी मोड मैंने चलाया नहीं। वो एक डेडिकेटेड वीडियो जब बनाऊंगा ना तब इसको चलाऊंगा अदर मोड्स में। छोटा सा आज का वीडियो था, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, खड़ी हुई बाइक में काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ से अट्रैक्ट 110% ये बाइक करने वाली है। हीटिंग मैनेजमेंट पे भी अच्छा काम कर रहा है, बहुत गर्म नहीं हो रही, वैसे तो अब सर्दी है, वो एक चीज़ है। बाकी चलो, बहुत सारा लेक्चर दे दिया मैंने खड़े खड़े, अब बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे इस बाइक के ऊपर, उसमें आप लोग देख लेना। इस वीडियो में इतना ही, होप सो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।